हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आर के वीडियो एडिटर एडिटिंग का बादशाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैन फोटो एडिटिंग के बारे में, तो वीडियो में बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो कैसे आप लोग तो सबसे पहले आपको पेज आर्ट को करना है ओपन, उसके बाद आगे देखिए, ठीक है, ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना फोटो को ऐड कर लेना है। हम पहले से फोटो को एडिट करके रख चुके हैं, आप एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा पुराना वीडियो देख के आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको अपना फोटो को ऐड कर लेना है, इसके बाद आपको चेन ऐड करना होगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो चेन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर। इसके बाद यहां ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको आर्ट ट्रिक में जाके आप देख सकते हो मैं कौन सा टच किया हूँ। उसको टच कर लेना है, ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद आपको इन्वर्ट पे क्लिक करके क्लर कर देना है, नीचे चेन के नीचे वाले हिस्से में। तो मैं आगे क्लर कर लेता हूँ, इसके बाद आगे देखिए। अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कलर करके, इससे नीचे में कलर नहीं दिखे, नीचे ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए तो फोटो अच्छा दिखेगा। फोटो हो चुका है लगभग, थोड़ा सा बाकी है। ब्लैक एंड वाइट को अच्छे से नीचे कर लेना है। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब आपको डन कर लेना है। डन कर देते हैं, आप देख सकते हैं डन हो चुका है। अब आपको स्टिकर पर क्लिक करना है। चलिए अब स्टिकर पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आगे देखिए। मैं फोटो ऐड कर चुका हूँ अपना लोगो, इसके बाद स्टिकर पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। अब आपको स्टिकर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये मैंने, आप सर्च कर सकते हैं सन, जिससे ये आ जाएगा। आप इसे सेट कर दीजिए, आपको जहाँ मैं साइड पे सेट कर देता हूँ अच्छे से एडजस्ट करके। अच्छे से आपको भी एडजस्ट कर लेना है, जिधर अच्छे लगे, जिधर आपको अच्छा लगे उधर ही ऐड कीजिएगा। हो चुका है, इसे डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आपको फोटो को सेव कर लेना है। तो चलिए फोटो को अब कर लेते हैं सेव। आपको अगर कुछ और एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे इतना ही करना है। तो आप देख सकते हैं फोटो हो चुका है सेव।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू एडिटिंग ट्रिक के साथ।